हेलो स्टूडेंट्स, लेवलिंग की आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं लेवल मशीन के बारे में। तो लेवल मशीन जब हम लेवलिंग वर्क करते हैं तो जो दो ही हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ज़्यादातर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेवलिंग के लिए, पहला हमारा लेवल मशीन और दूसरा हमारा स्टाफ। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में, लेवल मशीन में भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेलीस्कोप के बारे में। तो इस टेलीस्कोप से हमारे कई टाइप के क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं कि लेवल मशीन में टेलीस्कोप हमारे किस टाइप की होती है। तो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पर टेलीस्कोप का, आप देख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से हमारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कौन कौन से हमारे पार्ट्स आते हैं सीरियल वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला सर्वेयर क्या करता है, अपनी आँख को इस एंड पर लगा कर और यहाँ से रीडिंगों को पढ़ता है और लेवलिंग वर्क करता है। तो ये जो सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहला पार्ट ये है, इसे हम कहते हैं आईपीस, इसे हम कहते हैं आईपीस, और इसको हम रैम्सडन आईपीस के नाम से जानते हैं, रैम्सडन आईपीस के नाम से इसको जानते हैं। तो इस आईपीस में दो लेंस लगाए जाते हैं जिनकी फोकल लेंथ हमारी बराबर होती है। तो मान लिया एफ फोकल लेंथ है, तो उस फोकल लेंथ के 66% पर आप कह सकते हैं 2/3f, यानी 66% पर जितनी इसकी फोकल लेंथ है उसके 2/3f डिस्टेंस पर इन दोनों को लगा देते हैं। ये कौन से लेंस हमारे, ये हैं डबल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे कौन से हैं, दो लेंस लगे हुए हैं, कौन से हमारे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारे इसमें लगे हुए हैं। कितने लगाए जाते हैं, दो। तो डबल प्लेनो कॉन्वेक्स लगाते हैं जिनकी फोकल लेंथ एफ है और उनको एक दूसरे से 2/3f डिस्टेंस पर इनको हम प्लेस कर देते हैं। और इसको लगाते टाइम, इन दोनों लेंसों को आईपीस के अंदर लगाते टाइम हम ये याद रखते हैं कि इनके कर्वेचर फॉर्म जो एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इनके जो कर्वेचर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका कर्वेचर इधर और इसका कर्वेचर, यानी इन दोनों के कर्वेचर एक दूसरे की तरफ रखते हुए 2/3f डिस्टेंस पर हम इन दोनों लेंसों को रख देते हैं। तो आईपीस में, आईपीस को हम रैम्सडन आईपीस कहते हैं और इसमें हम डबल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम इसके अंदर हम लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद डबल प्लेनो कॉन्वेक्स लगाने के बाद इसमें अगला पार्ट हमारा आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायफ्राम। इस पार्ट को हम कहते हैं डायफ्राम। ये जो पार्ट है आईपी से जस्ट अगला, वो हमारा है डायफ्राम। अब इस डायफ्राम में क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, डायफ्राम जो हमें दिखाई देता है टेलीस्कोप के अंदर, उसमें कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। इसमें हमें दो हेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक वर्टिकल हेयर, एक हॉरिजेंटल हेयर। तो आप इनको हेयर ना कहके वायर कहिए कि एक वर्टिकल वायर और एक हॉरिजॉन्टल वायर। तो जो वायर लगा है वर्टिकल वायर, ये जो पहला हमने वायर दिखा रखा है ये हमारा वर्टिकल वायर है। तो इस वर्टिकल वायर का यूज क्या है, देखिए जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो ये वर्टिकल वायर हमारा ठीक डायफ्राम में हमें वर्टिकल दिखाई देता है। जब हम सर्वे कर रहे होते हैं, जब हम लेवलिंग वर्क कर रहे होते हैं, तो स्टाफ हमारा कभी कभी सीधा खड़ा ना रहकर इस तरह से टेढ़ा टिल्ट हमारा हो जाता है। तो स्टाफ हमारा ठीक वर्टिकली कंडीशन में है ये चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस वर्टिकल वायर का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू चेक वर्टिकल पोजीशन ऑफ स्टाफ। स्टाफ की ठीक वर्टिकल पोजीशन चेक करने के लिए इस वर्टिकल वायर का हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इस हॉरिजेंटल जो वायर लगा रखा है इसका यूज क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टाफ है उस स्टाफ पर रीडिंग हमारी लगी हुई होती है और उस स्टाफ पर रीडिंग हमारे इस तरह से हॉरिजेंटल हेयर जहां हमारा बाइसेक्ट करता, जहां कॉन्साइड करता है उसी की रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। तो हॉरिजेंटल हेयर का यूज क्या है हमारा, टू मेजर या टू रीड स्टाफ रीडिंग। यानी ये दूसरा जो हेयर यहाँ पर लगा हुआ है वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल हेयर या हॉरिजॉन्टल वायर। अब इस वायर का यूज क्या है, टू रीड स्टाफ रीडिंग, इन स्टाफ की रीडिंग को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल वायर का। और क्या क्या होता है इस डायफ्राम के अंदर बात करते हैं। देखिए, डायफ्राम में दो वायर और होते हैं, इस वायर को कहते हैं हम अपर स्टेडिया, इसे हम क्या कहते हैं, अपर स्टेडिया, और दूसरा हमारा जो है ये वाला, इसे हम कहते हैं लोअर स्टेडिया।
तो आखिर इन अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच में डिस्टेंस जो होती है हमारी, वो आई जो कि फिक्स रखी जाती है, इसको हम स्टेडिया अंतर कहते हैं। तो अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का अंतर क्या है? अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, लेवलिंग वर्क कर रहे हैं, और उसमें हमें कहीं पर जरूरत पड़ती है कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर करनी है, लेकिन वो मेजरमेंट हमें चैन या टैप से नहीं करना, वो हमें मशीन से ही करना है। तो अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का वर्क क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना विदाउट टैप या चैन, यानी इसकी मदद से हम अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया की मदद से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कहाँ से? लेवल मशीन एंड टारगेट जो भी हमारा है वहाँ तक कि हम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हम मेजर कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, डी बराबर एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हैं आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, डी बराबर 100 इंटू एस प्लस जीरो, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो फाइनल हमारा फार्मूला बनता है 100 इंटू एस, जहाँ एस क्या है हमारा स्टाप पर वर्टिकल इंटरसेप्ट, स्टाप पर अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच का कितना डिस्टेंस है वो हमारा एस है। अब इसमें देखिए एफ अपॉन आई क्या चीज है, यहां समझ लेते हैं इसको। एफ अपॉन आई की वैल्यू को हमने 100 यहां पर लिया है, क्यों? इंटरनल फंक्शन टेलीस्कोप में की वजह से, आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। एफ अपॉन आई को हम कहते हैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट, और दूसरा हमारा एफ प्लस डी यहां पर है जीरो, इसे हम कहते हैं एडिटिव कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कंपटीशन वगैरह में कि एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो हमारा फार्मूला बन जाता है डी इज इक्वल टू 100 इंटू एस, और जहां एस क्या हमारा स्टाप पर वर्टिकल इंटरसेप्ट जो हमें पढ़ना होता है, स्टाप पर अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया पढ़ने के बाद में इन दोनों रीडिंग्स का जो हमारा अंतर होता है वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑन स्टाप एस की रीडिंग होती है। तो अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का यूज हमारे समझ में आ गया। तो इन सभी जो वायर लगे हुए हैं, इन वायर को पकड़ने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगे रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैपेसिटर स्क्रू भी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे कैपेसिटर स्क्रू यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, कैपेसिटर स्क्रू ये। तो ये था हमारा डायफ्राम पार्ट। अब आगे आता है हमारी बबल ट्यूब, इसको हम लेवल बॉयल या स्प्रिट ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर ईथर और एल्कोहल के घोल वगैरह भरे जाते हैं। एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब किसे कहते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया है, अलग ही मैंने पूरी क्लास बनाई है एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब के बारे में। आप मेरा वो वाला लेक्चर देख लें तो आपको ज़्यादा आसानी समय आ जाएगा डिटेल में। तो ये इसका यूज क्या है ये समझ लेते हैं। तो लेवल इंस्ट्रूमेंट जब हम लेवलिंग वर्क करते हैं तो लेवल इंस्ट्रूमेंट का ठीक लेवल में होना काफ़ी ज़रूरी है, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भी होता है कि इसको हम फुट स्क्रू की मदद से इसमें जो बबल है उसको बीच में लेके आते हैं, ताकि हमारा ठीक मशीन हमारे ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में या ठीक लेवलिंग में आ जाए। अगला हमारा पार्ट है ऑब्जेक्ट लेंस। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस कई लेंसों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें हमारा पहला ये लेंस है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये बना हुआ होता है क्राउन ग्लास का, क्राउन ग्लास का बना हुआ रहता है। दूसरा हमारा जो लेंस है यहाँ पर ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ये हमारा है कॉन्केव लेंस, और ये हमारा बना हुआ रहता है फ्लिंट ग्लास का, फ्लिंट, ये हमारा किसका बना है, फ्लिंट ग्लास का बना हुआ होता है। और ये दोनों लेंसों को हमें कलर एक्रोमेटिक वगैरह रोकने के लिए हम दो दो लेंसों को एक साथ जोड़ के बना जाते हैं, और इन दोनों लेंसों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कनाडा बालसम। इनको ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए कनाडा बालसम का हम यूज़ करते हैं। तो कनाडा बालसम एक हमारा लेंसों को जोड़ने का एक पदार्थ है, जिसकी मदद से इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है ये इस एंड पर ऑब्जेक्ट लेंस। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि डायफ्राम की लोकेशन कहाँ पर है, तो डायफ्राम आप बताएंगे कि आईपीएस के नज़दीक है एंड ऑब्जेक्ट लेंस से दूर है, कहीं बीच में स्थित नहीं है, ये नियर बाई हमारे आई लेंस के आरएमएफ आईपीएस के पास ही डायफ्राम लगाया जाता है। अब इस आधार पर ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ
टेलीस्कोप था उसमें हमारे जनरली मेन मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो ये थे। अब टेलीस्कोप हमारी दो टाइप की होती है इन आधार पर। देखिए सबसे हमारी इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। अब यहाँ से आपको मैं वर्ड समझाता हूँ फॉक्सिंग क्या है। देखिए एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, पैरेलैक्स को अलग दूर करना। अब पैरेलैक्स क्या है कि अगर हम लेवल मशीन से हम किसी भी टारगेट को देख रहे हैं, स्टाफ को देख रहे हैं, तो उसमें हमें दो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। एक तो डायफ्राम क्लियर, डायफ्राम की इमेज क्लियर चमकनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा डायफ्राम पर जो स्टाफ है उसकी पूरी क्लियर इमेज हमारी चमकनी चाहिए। तो वो क्लियर इमेज ही जब सही नहीं चमकती उसे कहते हैं पैरेलैक्स एरर। तो पैरेलैक्स एरर को दूर करना ही हमारा क्या कहलाता है, फॉक्सिंग कहलाता है। और फॉक्सिंग के थ्रू हम पैरेलैक्स को दूर करते हैं। अब दो टाइप की हमारी फॉक्सिंग है, एक तो फॉक्सिंग ऑफ आईपीस, यानी जब हम इस आईपीस को चलाते हैं, आईपीस के स्क्रू को हम चलाते हैं तो हमारा डायफ्राम क्लियर होता है, उसे हम कहते हैं फॉक्सिंग ऑफ आईपीस। और दूसरा यहाँ पर हमारा एक और फॉक्सिंग स्क्रू लगा रहता है और इस फॉक्सिंग स्क्रू को हम जब चलाते हैं तो इसके अंदर या तो इंटरनल टेलीस्कोप हो या फिर ऑब्जेक्ट लेंस ही आगे पीछे चलने लगे तो हमारा जो जो स्टाफ है वो क्लियरली चमक लगता है। तो उसे हम कहते हैं फॉक्सिंग प्रोसेस, यानी स्टाफ और डायफ्राम दोनों क्लियर देखना हमारा क्या है, फॉक्सिंग कहलाता है। तो यदि अगर फॉक्सिंग स्क्रू चलाने पर टेलीस्कोप की लंबाई में कोई वेरिएशन ना हो, टेलीस्कोप इंटरनली फॉक्सिंग करे, इसके अंदर इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप किसे कहते हैं, जब फॉक्सिंग स्क्रू चलाने पर टेलीस्कोप की लंबाई में ना तो कमी आए ना बढ़े, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। और इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप के लिए इसके अंदर एक और डबल कॉनकेव लेंस लगाया जाता है जिसकी मदद से, जिसकी ये रैक एंड पिनियन की सहायता से एक और लेंस लगाया जाता है जो कि हमारा फॉक्सिंग स्क्रू से चलता रहता है। फॉक्सिंग स्क्रू जब हम चलाएंगे तो ये लेंस हमारा कौन सा लेंस है, डबल कॉनकेव लेंस हमारा लगा रहता है। अक्सर कंपटीशन में पूछते हैं कि इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप में फॉक्सिंग किस लेंस द्वारा की जाती है, तो डबल कॉनकेव लेंस द्वारा हमारी की जाती है। तो अब जब यानी ऐसी टेलीस्कोप जिसका फॉक्सिंग स्क्रू चलाने पर उसके अंदर ही इंटरनली मूवमेंट होकर फॉक्सिंग हो जाए तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। लेकिन यदि किसी टेलीस्कोप का फॉक्सिंग स्क्रू चलाने पर उस टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट लेंस आगे पीछे मूव करे, यानी उसकी टेलीस्कोप की लंबाई या तो बढ़ने लगे या घटने लगे, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो टेलीस्कोप के बारे में लेवल मशीन के अंदर हमसे हमें पता होने चाहिए। तो गाइज आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और बताएं। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।